अब आपके WhatsApp पर भेजे हुए फोटो या फिर वीडियो को कोई भी पर्सन ने सेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि WhatsApp पे लेकर आ गया है वन टाइम में व्यूएबल फीचर। तो आप वन टाइम व्यूएबल फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं एंड उसे रिलेटेड डिटेल्स को जानने के लिए आज के इस वीडियो को इन तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप हमेशा से कोई ना कोई यूजफुल फीचर को लाता रहता है, तो उसी में से ये भी एक यूजफुल फीचर है, वन टाइम व्यूएबल फीचर। तो आप वन टाइम व्यूएबल फीचर के थ्रू अगर किसी पर्सन के पास से कोई भी फोटो या फिर कोई वीडियो भेजते हैं तो उस पर्सन के देखते ही सीन करते ही जो कि है मैसेज आपका जो कि मीडिया है वो ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद वो पर्सन नहीं देख पाएगा, डिलीट हो जाएगा एंड उस पर्सन के पास आपका भेजा हुआ फोटो या फिर वीडियो सेव भी नहीं होगा। तो इस फीचर से हमें ये बेनिफिट है कि अगर हमें किसी पर्सन के पास अगर कोई पर्सनल मीडिया या फिर कोई प्राइवेट मीडिया भेजना है जो कि हम चाहते हैं कि अगर उस पर्सन के देखते ही सीन करते ही वो डिलीट हो जाएगा उसके पास से एंड वो शेयर नहीं कर पाए, तो हम इस वन टाइम व्यूएबल फीचर के थ्रू उस पर्सन के पास कोई भी मीडिया को, प्राइवेट मीडिया या फिर पर्सनल मीडिया को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो उस पर्सन के पास आप जो मीडिया भेजेंगे वन टाइम में व्यूएबल फीचर के थ्रू, तो उस पर्सन के देखते ही जो कि आपका मीडिया है, फोटो या फिर वीडियो, वो डिलीट हो जाएगा, ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो पर्सन उस मीडिया को जो कि है वो शेयर भी नहीं कर पाएगा, फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएगा किसी पर्सन के पास। हाँ, स्क्रीनशॉट अगर वो चाहे तो ओपन जब तक किया रहेगा उस टाइम वो स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर अगर उसके पास कोई अनदर डिवाइस है तो उसके थ्रू वो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, बट उसके फोन में जो कि है उसके डिवाइस में वो डाटा, वो मीडिया सेव नहीं होगा। आप अगर वन टाइम व्यूएबल फीचर के थ्रू अगर किसी के पास से, किसी पर्सन के पास कोई मीडिया भेजते हैं एंड वो पर्सन 14 डेज तक नहीं देखता है तो 14 डेज के बाद जो कि है व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेटिकली आपका वन टाइम व्यूएबल मीडिया जो कि है वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप वन टाइम व्यूएबल फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं एंड किसी पर्सन के पास वन टाइम व्यूएबल मीडिया कैसे भेज सकते हैं, कैसे सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर के अपडेट कर लेंगे एंड अपडेट करने के बाद आप ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद आप उस पर्सन के चैट बॉक्स को ओपन कर लेंगे जिस पर्सन के पास आप वन टाइम व्यूएबल मीडिया को भेजना चाहते हैं। तो मेरा जो कि एक अनदर व्हाट्सएप है मैं उसको ओपन कर लेता हूं। तो ये जो कि है मेरा दूसरा अनदर व्हाट्सएप है जो कि इसी फोन में इनेबल, इसी फोन में एक्टिव है। तो वन टाइम व्यूएबल मीडिया भेजने के लिए आप यहाँ से अटैच के लोगो पे प्रेस कर लेंगे एंड यहाँ प्रेस करने के बाद आप अगर डायरेक्ट किसी को रिकॉर्डेड वीडियो या फिर आपके खींचे हुए फोटो को, क्लिक किए हुए पिक को आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैमरा के थ्रू भी भेज सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई डाटा पहले से, कोई फोटो या फिर वीडियो पहले से, तो आप यहाँ से गैलरी पे प्रेस कर लेंगे एंड यहाँ से आप उस फोटो या फिर उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जो आप भेजना चाहते हैं उस पर्सन के पास। तो यहाँ से मैं इस पिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे तो जो कि है यहाँ से ऐड कैप्शन का सेक्शन है तो यहाँ से आपका एक वन का लोगो शो कर देगा, तो आपको यहाँ से वन पे प्रेस कर देना है, इस वन के लोगो पे आपको प्रेस कर लेना है एंड यहाँ प्रेस करने के बाद जो कि है ये वन टाइम व्यूएबल फोटो हो चुका है, वन टाइम व्यूएबल मीडिया हो चुका है एंड यहाँ से आप सेंड पे प्रेस कर लेंगे एंड सेंड पे प्रेस करते ही आप देखेंगे तो जो कि यहाँ से मेरा उस वाले व्हाट्सएप पे यहाँ से आ चुका है फोटो, देख सकते हैं। तो यहाँ से जो कि है यहाँ आप देखेंगे तो वन टाइम व्यूएबल का जो कि है लोगो इस मीडिया पे शो कर रहा है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ इस वाले व्हाट्सएप को, तो इस वाले व्हाट्सएप को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस करेगा वन टाइम व्यूएबल मीडिया। मैं इसको जैसे ओपन करता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने इसको ओपन कर लिया है एंड बैक करते ही आप देखेंगे तो जो कि मैं अगर अब ओपन करता हूँ यहाँ से तो जो कि ये मीडिया ओपन नहीं होगा, यहाँ से आपका ओपन जो कि है वो ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मैं अब इसको नहीं देख सकता हूँ, मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो इसी तरह से आप किसी भी पर्सन के पास वन टाइम व्यूएबल मीडिया को भेज सकते हैं जिससे कि आपका जो कि अगर कोई प्राइवेट या फिर पर्सनल मीडिया है तो आप वन टाइम व्यूएबल फीचर के थ्रू भेज सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ।